गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आज संडे है और संडे टू संडे हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। आज दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है सुबह में और एक और मुझे करना था। जैसे संडे टू संडे आप रेगुलर क्लास में इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, वैसे ही ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं। सो अपना कॉपी पेन लेके रेडी रहिए। सो एस ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक में मैं टेबल पे एनसीईआरटी बुक रखा हूँ और एनसीईआरटी बुक के एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट, और वो 11th में भी जरूरत पड़ेगा और 12th में भी जरूरत पड़ेगा। सो एस ब्लॉक लोग सोचते हैं कि 11th का टॉपिक है, नहीं, 11th में भी जरूरत है और 12th में भी जरूरत है। हर वीडियो में आपको बोलते रहता हूँ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 11th 12th दोनों का एक जैसा ही। सो हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट अल्कली मेटल एनसीईआरटी पेज नंबर 294। आपको बुक रखना है, मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी का, बट लेवल हम लोग का उससे बहुत हाई, आईटी एडवांस का लेवल, एम्स का लेवल और स्कूल का भी, स्कूल के लेवल भी इंक्लूड करेंगे। 11th है, 12th एनसीईआरटी नीट आईटी मेन एडवांस, ये लेक्चर नंबर 9 है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें मैंने रिएक्शन सेलेक्ट कर दिया था एनसीईआरटी का एक एक लाइन, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद मॉइस्ट एयर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन अमोनिया वाटर, रिएक्शन विद हैलोजन, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट था रिड्यूसिंग नेचर। सो रिड्यूसिंग नेचर स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग पावर हमें सीखना है इसमें। मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर आपको 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है, और आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा एनसीईआरटी का, ये पेज नंबर पे है, पेज नंबर 294 पे रिड्यूसिंग पावर लिखा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, और उसके एक एक पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक में पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हुए यहां सीख लीजिए, बहुत छोटा सा चीज है। रिडक्शन लिखिए, तो यहां रिडक्शन, रिडक्शन का मीनिंग है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर आप बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप स्टेटमेंट से बेटर आप रिएक्शन करके देखिएगा। चलिए लिखे थे यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में दिखाइए, ऐसे लिखने में ज्यादा क्लियर से मत समझ में नहीं आता है, हम लोग इक्वेशन बनाएंगे इसका। यहां पे एक एम रख लीजिएगा और यहां पे एक प्लस वन कर लीजिए और यहां ऐसे कर लीजिए, इस तरह से बनेगी ऐसे। सो चेक करिए, देखिए यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कर लेंगे, यहां पे चार्ज है प्लस वन, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन और यहां ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, और यहां पे देखिए आपने क्या लिखा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज प्लस वन से जीरो हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको रिडक्शन बोलते हैं। सो आप यहां पे लिख लेंगे कि ये रिएक्शन जो है रिडक्शन, या फिर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। यहां पे ऐसे एम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन करिए, बैलेंसिंग करना है ना, बैलेंस करने के लिए अगर आप चार्ज बैलेंस करेंगे, यहां चार्ज प्लस और माइनस जीरो, और देखिए चार्ज जीरो हुआ, तो आपको बोलना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, ये रिएक्शन हो गया रिडक्शन। सो सिंपल था रिडक्शन का डिफिनेशन था, बहुत ज्यादा आसान है। सो ये हुआ आपका रिडक्शन। सो सबसे पहले रिडक्शन का मीनिंग आपको समझना है, जो एकदम आसान है। आप दो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इक्वेशन बनाना हो तो यहां प्लस वन से जीरो, देखिए डिक्रीज हो गया, और ये गेन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन दोनों एक ही चीज है। आइए नेक्स्ट,
स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा समझते रहेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सीखिए, देखिए ये रिएक्शन। अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, यह है रिडक्शन। यहां देख रहे हैं प्लस वन से जीरो हो गया, तो आप इसको बोलेंगे कि ये है रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया। ठीक, आप जो है इस लाइन को, जो आप हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो लाइन हॉरिजेंटली आप देख रहे हैं उसको आप वर्टिकली भी कर सकते हैं। देखिए ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन और डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन हुआ। आप इस जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, हॉरिजेंटल लाइन को आप वर्टिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है 12th क्लास में। यही रिएक्शन को हम लोग ऐसे वर्टिकली ऐसे लिखते हैं, एम प्लस वन लिखते हैं, और उसके बाद ये जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको आप वर्टिकली भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगेन रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट, सो वही चीज है, उसी को प्रेजेंट करने का तरीका है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन लिखें, चाहे उस लाइन को वर्टिकल कर दें। नेक्स्ट सीखिए, ये सब 12th में भी जरूरत है। देखिए अब मैंने क्या किया, एक ई लगाया, ऐसे ई कैपिटल ई लिख दिया, कैपिटल ई लिख करके ऐसे मैंने कर दिया, एम प्लस टू एम कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। तो रीडिंग करना सीखिए, आपको सीखना है सब रीडिंग। ये देखिए ऐसे, इसको बोलिएगा रिडक्शन, रिडक्शन, ये रिडक्शन, और ई को बोलते हैं पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। सो आपको इस रीडिंग, इसको रीडिंग सीखना है, ये है रिडक्शन, रिडक्शन और ये है पोटेंशियल, हो गया। अभी वेट करिए, वेट करना अभी। नो ई यहां पे एम प्लस टू एम, इसके ऊपर एक नॉट ऐसे लगाइए, तो ऐसे जीरो एक लगाइए, इसके ऊपर जीरो, ठीक है। जैसे आप जीरो लगाते हैं ना, ये इसका नाम होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप कई जगह पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, आप कई टॉपिक में पढ़ना होता है। जैसे आप नॉट लगाएंगे, नाउ इसका रीडिंग लिखिए स्टैंडर्ड, रिडक्शन पोटेंशियल। सो रीडिंग आपको सीखना है, पहले रिडक्शन का डिफिनेशन समझ लीजिए, दोनों टर्म में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल कर लेंगे, वर्टिकल के बगल में यहाँ ई लगा देंगे ऐसे, और ई नॉट कर देंगे, तो ये साइंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन है कि ये मैं क्यों करा रहा हूँ, मेरा टॉपिक था रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर सिखाना था, सो इसी से रिलेटेड है, इसी से सीखना है, एनसीईआरटी भी बोल रहा है कि इसी से सीखिएगा। ठीक है, अब साइंस का रोल है, ये चीज़ें पढ़ना है आपको 12th क्लास में भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा ईजी, एकदम आसान टॉपिक है आपका। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सो वहाँ भी इसका जरूरत पड़ेगा और वहाँ भी रिलेट करेंगे, और एनसीईआरटी बोल रहा है ये पढ़िए, पहले पहले आप लिखा होगा कि ये सब पढ़िए पहले, रिडक्शन, रिडक्शन को रिप्रेजेंट करना, रिडक्शन पोटेंशियल बनाना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनाना, और जब ये पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद ये सीखना है कि रिड्यूसिंग पावर जो होता है, आपको ये सीखना था कि रिड्यूसिंग पावर, साइंस का जो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो साइंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई ऐसे करना ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक साइंस का रूल है, ये साइंस का रूल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे। सो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर कहिए या रिड्यूसिंग एजेंट कहिए, जो भी आपको पढ़ना हो कि अरेंज करना हो रिड्यूसिंग, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग नेचर,
आपको पढ़ना हो तो 1/, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो रहेगा रिड्यूसिंग पावर हाई रहेगा, कि आपको पढ़ना है ना रिड्यूसिंग पावर, तो उससे रिलेट करके सीखिए, नोट करिए, नोट करिए, फिर मैं हम लोग 1A पढ़ना है ना, 1A का रिड्यूसिंग पावर आप नोट करिए, फिर मैं सिखाता हूँ आपको। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड अगर ये लो है देन रिड्यूसिंग पावर हाई रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेट करना। सो नोट करिए, हम लोग 1A का लिए डिस्कस कर रहे हैं, इस सबके लिए है, तो सारे लोगों के लिए लगेगा। अब हमें पढ़ना है 1A का, ये पहले पढ़ लीजिए, ये सब चीजें जरूरी है। चलिए, हमें रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना था, अल्कली मेटल, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं अभी अल्कली मेटल, 1A हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, फॉर अल्कली मेटल अब मैं फॉलो कर रहा हूं एनसीईआरटी, क्योंकि डाटा आपको रटना नहीं है, आपको डाटा नहीं रटना, मैं एनसीईआरटी में लिस्ट लिखा हुआ है, वो बोला भी है यहाँ पे एनसीईआरटी में एक पूरा लिस्ट लिखा हुआ और लिखा हुआ इस पेज पे लिखा हुआ कि उस लिस्ट को फॉलो करिए, मैं जा रहा हूँ उस लिस्ट को फॉलो करने के लिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम स्टैंडर्ड मैं डाटा रख रहा हूँ। चलिए, वो डाटा लिखा रहता है पेपर में, आता भी है तो डाटा लिखा रहेगा आपको। सो मैं डाटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो फॉर लिथियम वोल्ट, वोल्ट यूनिट वोल्ट, काफी क्लोज है, बहुत सिमिलर डाटा है, बहुत क्लोज है। चलिए अब बताइए मुझे, यहाँ ये डाटा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बोल भी रहा है कि इन्हीं के हेल्प से आपको रिड्यूसिंग एजेंट अरेंज करना। चलिए, इन पांचों डाटा में सबसे लो तो ये वैल्यू है, सबसे लो ये वैल्यू, सबसे लो सब रिडक्शन पोटेंशियल अगर वो लो है तो ये सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रांग और रिड्यूसिंग एजेंट, ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके आगे देखिए सबसे लो, उसके बाद डाटा मिला लीजिए, इसके बाद डाटा देखिएगा, ये है सबसे हाई हुआ 925, 930, 927, इसके बाद ये आ रहा है रुबिडियम, सबसे लो ये, उसके बाद रुबिडियम सीजियम फिर पोटेशियम सबसे लास्ट में लिथियम। इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। सो रिड्यूसिंग पावर का आपको ऑर्डर अरेंज करना है। सो जितना कम डाटा रहेगा उतना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर अरेंज करना है 1A का। 1A में रिड्यूसिंग नेचर, और रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग एजेंट सब एक ही चीज तो है। सो 1A के लिए पढ़ना 1A अल्कली मेटल पढ़ रहे, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। नेक्स्ट बोलिए, लिथियम के बाद डाटा देखिए, डाटा में सबसे लो ये, उसके बाद ये, इससे हाई, ये नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव है,
यहाँ जितना डाटा जितना बड़ा रहेगा उतना लोग कहलाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए रुबिडियम, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 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 इधर सीजियम, नेक्स्ट देखिए पोटेशियम एंड द लास्ट इज सोडियम। हो गया रिड्यूसिंग पावर, ये ऑर्डर है रिड्यूसिंग पावर के लिए। सो ये आपको रिड्यूसिंग एजेंट सीखना था। आपको 1A में कोई ट्रेंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई रेगुलर ट्रेंड है अप एंड डाउन में, ये आपको सीखना था। आप ये फॉलो करना है इस रूल को, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो इसमें कोई पैटर्न नहीं है आपका, जैसे 1A पढ़ते हैं लिथियम है और सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, तो कोई एक ऑर्डर नहीं चल रहा है। ये नहीं कि रिड्यूसिंग पावर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, नहीं, ये जिगजैग पैटर्न है। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, देन उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं, यानी कि रेडियस जैसा पैटर्न है, आयनिक जैसा पैटर्न है, ये गिवन डाटा से आपको खोजना है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रीजन लिखा हुआ ये एनसीईआरटी में, नेक्स्ट रीजन लिखा हुआ कि लिथियम को आप बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहते हैं, वो रीजन लिखा हुआ। सो नेक्स्ट रीजन पे आते हैं हम लोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 में भी यूज होगा ये सारा डाटा जो है, वो सारा डाटा 12। बट डाटा नहीं याद करना, ये आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डाटा नहीं याद करना है। तो डाटा एनसीईआरटी से मैं देखते कि एक एक डाटा लिख रहा हूँ आपको, डाटा पेपर में लिखा रहता है, डाटा गिवन रहेगा, डाटा दिया रहेगा और पूछेगा कि बताइए उसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सो हम लोग पढ़ रहे थे 1A में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, देन रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, ये डाटा गिवन रहेगा या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि ऐसा रेंडमली दे देगा कि 1A का जो सबसे अच्छा बेस्ट सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट 1A में कौन है, तो आपको नंबर 1 पे लिथियम बोलना है। क्यों लिथियम कहना है, उसका रीजन एनसीईआरटी में है, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वो मैं समझा दूंगा आपको, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप देख लीजिए इस डाटा से आप बनाना सीखिए। एक आप और क्वेश्चन करिए, तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, स्कूल के एग्जाम में आएगा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, और इसमें पूछेगा आपको कि ये चारों डाटा मैंने लिखा हुआ है और चारों डाटा देख करके पूछेगा कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमको, ऑर्डर अरेंज करना है। सो देखिए कितना आसान है, कितना ईजी है क्वेश्चन, स्कूल में आता है, 12th क्लास में आएगा, 11th में भी पूछा जाता है, पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, आपका एनसीईआरटी में है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक में, वहाँ भी डिस्कस किए हुए हम लोग। फिर से देख लीजिए ना, देखिए यहाँ ये है प्लस टू और ये है आपका जीरो, सब में एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये कोई भी देखिएगा, कोई भी रिएक्शन, ये सारा रिएक्शन है रिडक्शन, रिडक्शन है। इन चारों में जाइए, सबसे लो डाटा जो रहेगा, सबसे लो डाटा ये है, ये सबसे लो है, ये साइंस का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सबसे बढ़िया, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सबसे लो जो डाटा, सबसे लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे लो रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे लो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट 12 में भी है, इसलिए मैं बोलता हूँ 11, 12 दोनों में पढ़ना ये। चलिए बताइए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा जिंक, आगे बोली इसके बाद ये आगे सबसे लो ये, उससे थोड़ा सा हाई ये हुआ, सो आयरन, नेक्स्ट बोलिए
एन आई। नेक्स्ट बताइए, कॉपर हो गया कंप्लीट। सो काफ़ी इजी है रिड्यूसिंग एजेंट, 1A का रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ना था। सो 5 एसआईटी में बुक में भी यहीं पे मैं देख रहा था, एक क्वेश्चन भी है, ये देख लीजिए, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, यहाँ डाटा लिखा हुआ। सो इस स्टैंडर्ड सीएल 2 टू सीएल माइनस प्लस 1.36 वोल्ट, स्टैंडर्ड आई टू टू आई माइनस प्लस 0.53 वोल्ट, स्टैंडर्ड ए जी प्लस टू ए जी प्लस 0.79 वोल्ट, स्टैंडर्ड एन ए प्लस टू एन ए माइनस 2.71 वोल्ट। ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक बुक से मैं तो ले रहा हूँ यहाँ पे। स्टैंडर्ड लिथियम प्लस टू द लिथियम माइनस 3.04 वोल्ट, ये ऐसा लिखा हो, इस तरह से लिखा हो। नाउ द रिड्यूसिंग एजेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, सो आई माइनस, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट ये लोग है, आई माइनस ए जी सी एल माइनस लिथियम और सोडियम का हमें रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर चाहिए। सो ये स्कूल के लिए क्वेश्चन, सो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ऐसे ऑर्डर लिखा हुआ, इन पांचों को रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। कितना आसान सा चेक करें हम लोग, देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और ये है ऑक्सीडेशन नंबर -1, ये 0 से -1 घट रहा है, 0 से -1 घटा, ये हुआ रिडक्शन, यहाँ से यहाँ घटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, और ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन, ये आप चेक कर लीजिए, ये रिडक्शन हुआ। इसको क्या सबको चेक कर लीजिए, 0 से -1 रिडक्शन, +1 to 0 रिडक्शन, +1 to 0 +1 to 0 रिडक्शन, जो सबसे लो रहेगा, सबसे लो रहेगा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट इनमें पांचों में एक नज़र डालिए और एक नज़र डाल के देखिए सबसे लो है, सबसे लो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम। नेक्स्ट इसके बाद देखिए सोडियम, सोडियम उसके बाद देखिए एजी, नो लिथियम सोडियम, इन दोनों में लो है आई माइनस देन एजी देन लास्ट में सिल्वर। स्कूल का क्वेश्चन, स्कूल में आएगा, एकदम छोटा, बहुत छोटा, 12 में आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, पैटर्न लिखा रहेगा, बोलेगा रिड्यूसिंग एजेंट बनेगी, रिड्यूसिंग एजेंट आपको बनाना है, और कर लीजिए, एक दो करिए, मैं लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है वो समझा दे रहा हूँ, और एक दो करिए, आगे भी पढ़ेंगे, 12 भी पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ करिए। स्टैंडर्ड क्रोमियम प्लस 3 टू क्रोमियम माइनस 0.74
1.31, +1.36, ये डाटा, ये डाटा हुआ। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, हाँ ये डाटा आपका। ये क्वेश्चन 5 बार कंपटीशन में पूछ चुका है, आईटी मेन में 2 बार पूछ चुका है, मेडिकल में 3 टाइम्स ये रिपीट कर चुका है, और रिपीट करते रहता है बार बार क्वेश्चन और पूछते हैं इसको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब वो सब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बनाएंगे। अभी एक दो क्वेश्चन आप कर लीजिए यहाँ पे। सो पूछा जा रहा है इसमें कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक और क्वेश्चन करिएगा, एक और क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, बार बार रिपीट करते रहता है, और आपको बात करना है स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी पूछते हैं। कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, कभी ऑर्डर अरेंज करने के लिए पूछ देता है। सो चलिए चेक करते हैं, सब रिपीट करेंगे, पहले भी पढ़े हुए हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। चलिए रिपीट करिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए, यह है +3 और यह है 0। सो रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट रिडक्शन हो रहा है, एकदम करेक्ट है। यहाँ चेक करिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर खूब तेज निकल रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ चेक करिए क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, यहाँ क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर +3, ये भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन है। यहाँ देखिए -1 to 0, ये भी रिडक्शन है, सारा रिडक्शन हो रहा है, सारे क्वेश्चन में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए सब रिडक्शन हो रहा है। आप सबसे लो वैल्यू अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे लो वैल्यू ये, सबसे लो वैल्यू इसका मिला, और सबसे हाई वैल्यू यहाँ आ गया, हाई सबसे हाई वैल्यू यहाँ आ गया। सो जहाँ लो मिलेगा, लो मिलेगा, तो ये इसके बारे में बात करेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट देता है। लो जो होगा, जहाँ लो मिलेगा वो यहाँ से खोजना है कि ये एक श्योर ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जहां सबसे लो होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे हाई होगा, तो इनमें से कोई ना कोई यहां पे इनमें से जो बनेगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आइए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, इनमें से खोजना है। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब दो होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 11th क्लास में टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये साइंस में पढ़े हुए हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। तो बताइए यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो ये होगी, ये नहीं है आपका। ठीक, नेक्स्ट यहाँ देखिए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इन्हीं दोनों में से कोई है, इन्हीं दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आंसर ये कट कर दीजिए, आंसर ये कट कर दीजिए।
रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मिनिमम, रिड्यूसिंग एजेंट का रूल है कि मिनिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम चेक करिए, यहाँ जीरो है और ये है +3, सो ये नहीं होगा, मिनिमम नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 5 टाइम पूछा हुआ है, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन है, रेफरेंस वहीं से लेना है रिड्यूसिंग एजेंट से। सो ये हो गया हम लोग का रिड्यूसिंग पावर, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उससे रिलेट करना। अब लिथियम लीड क्यों कर रहा है, 1A में सबसे बेस्ट क्यों हो गया, उसका रीजन लिखा हुआ वो मैं समझा दे रहा हूँ, जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। साथ साथ लिखते रहिए, नोट करते रहिए, आप एकदम कॉपी पेन ले के बैठिए, जैसे हम लोग का रेगुलर क्लास में होता है वैसे यहाँ भी क्लास हो रहा है आपका। सो नेक्स्ट उसका रीजन हम लोग सीखते हैं कि क्यों लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट 1A में क्यों था, उसका रीजन हम लोगों को समझना है। सो 7.7 पॉइंट में जैसे हम लोग 1A पढ़ रहे थे, 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। एक बार फिर से आप लिख लेंगे कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम हुआ था। क्यों हुआ था वो एनसीईआरटी में रीजन लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। सो रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोगों को सीखना था कि लिथियम, फिर था रूबीडियम, फिर सीजियम था हम लोग का, पोटेशियम, सोडियम, ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर 1A के लिए। सो लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया इसमें। सॉरी, सो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रीजन पूछा गया कि इसमें क्यों बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया लिथियम, उसको एक्सप्लेन किया हुआ पेपर में। चलिए हम लोग सीखते हैं, बट सीखने से पहले एक हमको एक हिंट बताइए, ठीक है, एक हिंट हमको बताइए, एक जो पहले पढ़ा हुआ वो चीज़ बताइए, क्योंकि उसी के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको यहाँ पे 8th में अगर वन ए आयन मैं कह दूँ, 1A आयन मतलब लिथियम आयन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये अगर 5 आयन, आप जानते हैं कि लिथियम ऐसा छोटा सा रहेगा, सोडियम थोड़ा बड़ा रहेगा, पोटेशियम और बड़ा, रुबिडियम ऐसे और सीजियम ऐसे, वो ये नीचे की तरफ जाइएगा साइज जाएगा, ठीक है। हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे हाइड्रेशन एनर्जी, अगर मैं डेल्टा HY के बारे में बात करूं, डेल्टा HY हाइड्रेशन एनर्जी, तो आप पढ़े थे हाइड्रेशन एनर्जी 1/रेडियस था, आप डिस्कस कर चुके हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आ चुका है, इसी एस ब्लॉक के टॉपिक में आप हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ चुके हैं, हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं। और जब हाइड्रेशन एनर्जी आप डिस्कस किए हुए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर ऊपर चला जाएगा, ये हाइड्रेशन एनर्जी। कई क्वेश्चन आप बना चुके हैं कि ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, साइज इन वाटर, बहुत चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ मैक्सिमम हो गया लिथियम का। सो ये हाइड्रेशन एनर्जी टॉपिक है, और आप ऑर्डर लिख लें, आप पढ़े हुए हैं, इसका जरूरत पड़ेगा हमको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों हुआ, उसके लिए इसका हेल्प लेना पड़ेगा। सो आप रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर आप बना लीजिए। सॉरी, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, मुझे हाइड्रेशन एनर्जी, अभी मुझे हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर चाहिए था, क्योंकि इसी के हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो यहां आप लिख लीजिए हाइड्रेशन एनर्जी, सो लिथियम बेस है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये है ऑर्डर हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, ये हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया आपका।
एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एनसीडी में क्या क्या लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या आपको प्रॉपर्टी होना चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी है जिसे आप रिड्यूसिंग एजेंट अरेंज करना है और कैसे लिथियम नंबर वन पे हो गया था? क्योंकि यहाँ जिगजैग पैटर्न है, कोई रेगुलर ट्रेंड है नहीं। लिथियम है, उसके बाद अचानक रूबिडियम आ गया, फिर सीजियम हुआ, पोटेशियम और सोडियम। क्यों लिथियम नंबर वन पे आ गया, तो उसका रीजन आप देख लीजिए। चलिए, फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, सो आप लिखेंगे फॉर रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। किसी मेटल के लिए, रिड्यूसिंग पावर के लिए ऑफ वन ए मेटल, हम लोग बात कर रहे हैं वन ए मेटल या जनरल मेटल की बातें करेंगे, जनरल मेटल का। क्या क्या करना होता है रिड्यूसिंग पावर के लिए, रिड्यूसिंग पावर में क्या क्या करना है, वो स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वो स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, वो स्टेप एक एक करके स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आपका नंबर वन, स्टेप वन, स्टेप वन आप क्या करिएगा, स्टेप नंबर वन आप क्या करिए कि ये मेटल, एक मेटल लेके आइए, वन ए का मेटल ले लीजिए, सारे वन ए मेटल होते हैं सॉलिड, तो यहां आप लिख लीजिएगा यहां सॉलिड, ये सॉलिड है। वो पेपर में बोल रहा है कि सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वन ए मेटल सॉलिड है, सॉलिड से आपको यहां पे सबसे पहले ले जाके गैस में कन्वर्ट कर लेना। वन ए में कोई भी लीजिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सब के सब सॉलिड हैं। पहले स्टेप वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, मेटल उठाइए जो भी रिड्यूसिंग पावर देखना है, उसको आप गैस में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए, गैस में कन्वर्ट करना है, बताइए मुझे, ये पेन है, पेन सॉलिड है, इसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। यहाँ पे सॉलिड है, इसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको नीचे से फ्लेम से हीट देना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे लगाइए, इस साइड आप रखिए और डेल्टा एच ऐसे लिख लीजिए, और डेल्टा एच लिख करके आप बोलिएगा कि सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। आपको देना है ना, देना है, तो लेफ्ट साइड लिखिए, ये पेन है, पेन को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, तो नीचे हीट दीजिए, हीट दीजिएगा तो सॉलिड से गैस में जाएगा, और सॉलिड से गैस जाने के लिए बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक, सब्लिमेशन ये कर लीजिए, एन साइड फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ। अगला स्टेप, अब लिखा हुआ पेपर में कि अब जो मेटल हो गया गैस बन चुका, ठीक है, मेटल गैस बना लिया आपने, अब उस मेटल से एक इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करा दीजिए। वो बोल रहे पेपर में कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराइए, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लॉस कराइए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, आपको रिड्यूसिंग पावर देखना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए। ये जो बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हीट देना है, यहाँ हीट देना है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करना है, तो इसको आपको बोलना आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। हो गया, ये एक स्टेप और, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ। स्टेप वन सबसे पहले सब्लिमेट करिए, स्टेप टू उसको आयोनाइज कर लीजिए, और लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, स्टेप थ्री। ये जो मेटल M प्लस गैस बना हुआ ना, M प्लस, M प्लस जो गैस बना हुआ है, इसको पानी में डाल दीजिए, ऐसा पानी में डालिए, उसको उठाइए और पानी में से डाल दीजिए पूरा, एक्सेस वाटर में, वो एक्सेस वाटर में डाल करके इसको एक्वस कर दीजिएगा। एम प्लस जो हो गया, यहाँ पे एक क्यू लिख दीजिएगा, एक क्यू, एक क्यू का मतलब हुआ एक्वस, एक्वस हुआ, और जैसे आप पानी में डुबाइएगा, यहाँ एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ खूब एनर्जी रिलीज करता है, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, यही तो हाइड्रेशन एनर्जी, इसी को हाइड्रेशन एनर्जी, एडिशन ऑफ वाटर, इसको पानी में डाल दीजिए,
वाटर में डालिए और यहाँ पे एक्सेस एनर्जी रिलीज करता है, वो है हाइड्रेशन एनर्जी। ये हाइड्रेशन एनर्जी ठीक। अगर किसी मेटल का रिड्यूसिंग पावर चेक करना है तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि आपको थ्री स्टेप में चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले सबलिमेट कर दीजिए, आयोनाइज कर दीजिए और पानी में डुबा के हाइड्रेशन कर दीजिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि अब तीनों स्टेप को एक साथ लाइए, तो जरा तीनों स्टेप को एक साथ करना आपको। तीनों स्टेप मैं एक जगह ला रहा हूँ उसको, चलिए देखिए तीनों स्टेप को एक जगह चेक करिए। एक मेटल था सॉलिड और उसको आपने दिया डेल्टा एच, थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूँ, सबलिमेशन। ये हो गया गैस में ठीक। मेटल था गैस, इसको आप एनर्जी दे रहे हैं, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी और ये कन्वर्ट किया एम प्लस में और यहां से निकला एक इलेक्ट्रॉन, ये है आयोनाइजेशन। थर्ड स्टेप, ये एम प्लस जो है गैस है उसको एक्सेस वाटर, यहाँ पे एक्सेस वाटर में डालना है। जैसे ही एक्सेस वाटर में डालिएगा ये एम प्लस हो गया, एक्वस हो गया और यहाँ एनर्जी रिलीज किया, वो एनर्जी रिलीज किया डेल्टा एच वाई, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी। फाइनली अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, ऐसे ऐड करिए, ऐड करिएगा तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल ये है, कैंसिल हो गया। फाइनली इधर सिर्फ बचा एम सॉलिड, इधर वाटर, इधर देखिए एम प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। वेट करिए, लोग सोच रहे हैं एनर्जी कहाँ गया, आ रहा है एनर्जी, आ रहा है। सारे लाइन एनसीईआरटी का है और एक्सप्लेन करना है रिड्यूसिंग पावर के लिए, तो ये सीख लीजिए आप। देखिए लेफ्ट साइड सिर्फ मेटल सॉलिड वाटर एम प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट साइड देखिए प्लस हाइड्रेशन एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस हीट ऑफ सबलिमेशन, हीट ऑफ सबलिमेशन होगा एस, ये दोनों टर्म उधर ले लीजिए, इस साइड ले लीजिए और फाइनली इस साइड में लिखा हुआ ऐसे कि ये है रिड्यूसिंग पावर के लिए, ये जो वाटर हुआ और यहाँ पे एम प्लस हुआ, ये एक्वस हुआ प्लस ये ई हुआ और प्लस ये पूरा टर्म, ये पूरा इतना बड़ा टर्म को आपको डेल्टा एच कहना है, डेल्टा एच पूरे बड़े टर्म को इसमें डेल्टा एच, और पेपर में लिखा हुआ है जिसका डेल्टा एच, जिसका डेल्टा एच, डेल्टा एच जिसका मैक्सिमम होगा, जिसका डेल्टा एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हो, डेल्टा एच का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच मैक्सिमम होगा, वो मेटल जो कहलाएगा तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये साइंस का रूल है ठीक। अब आइए ये मैक्सिमम करना है, ध्यान रखिए डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब हुआ डेल्टा वाई हाइड्रेशन एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस हीट ऑफ सबलिमेशन। अब आप रिलेट करिए इससे पहले वाले पॉइंट को, पूरे साइंस में मैंने आपको बताया था 1A में सबसे अच्छा हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी है लिथियम का, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम। अब बताइए कि इसमें ऐड करने वाला टर्म ये है, ये तो घटने वाला है, ये सब तो घटने वाला टर्म है, ये तो निगेटिव टर्म है। हाइड्रेशन एनर्जी जिसका सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वही डेल्टा एच लीक करेगा। सो अगर आप
लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम में आपने देखा तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है, और लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होने से ये डाटा आपको लिथियम में लीड कर जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है ये रिड्यूसिंग पावर के लिए। एनसीडी में लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग पावर के लिए 3 स्टेप्स चलना है, सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एंड देन हाइड्रेशन एनर्जी, उसको हाइड्रेशन एनर्जी मिलाना है। तीनों टर्म को एक साथ करिए और रिजल्टेंट देखा कीजिए कि रिजल्टेंट एनर्जी जो है मैक्सिमम हुआ, जिसका मैक्सिमम रिजल्टेंट एनर्जी है वो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जब कैलकुलेट किया गया, ये पांचों के लिए डाटा कैलकुलेट किया गया, आप जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का जो है वो मैक्सिमम होता है। सो आपने यहां चेक किया, यह है साइंस का रूल कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो है मैक्सिमम फो, ये है आपका मैक्सिमम फो, ठीक है, मैक्सिमम फोर लिथियम, लिथियम के लिए सबसे ज्यादा होता है। और इसी के चलते लिथियम जो होगा, अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम है तो डेल्टा एच, ये जो कैलकुलेट किया गया डेल्टा एच भी मैक्सिमम फोर लिथियम, ये मैक्सिमम हो लिथियम के लिए। इसलिए लिथियम हो गया बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम जो होगा सबसे स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इसलिए आपका लिथियम जो है वो स्ट्रांगेस्ट या बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई ऐसे पूछता है कि वाई लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो तुरंत बोल दीजिए कि ड्यू टू वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, अपने हाइड्रेशन एनर्जी के चलते। वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसका हाइड्रेशन एनर्जी इतना ज्यादा था ना कि ये हाइड्रेशन एनर्जी ही तो ऐड करने वाला टर्म है, ये टर्म तो घटने वाले टर्म है। इसलिए पूरे साइंस में ये है वन ए नहीं, पूरे साइंस का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम बन गया। सो लिथियम तो था ही, वन ए में तो बेस्ट रहा ही, वन ए के लिए भी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बट पूरे साइंस का ही सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है लिथियम होता है। सो ये आपको एक्सप्लेनेशन था, एनसीडी में था, और ये जानना है, ये आता भी है कि आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो लिथियम है। रीजन उसका क्यों बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसका ड्यू टू द वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी से कैसे रिलेशन है, तो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री एंड फाइनल डेल्टा एच जिसके लिए मैक्सिमम हुआ वो साइंस का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका। सो लिथियम सबसे अच्छा स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका, और रीजन पूछा जाता है तो ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। सो आप नोट करेंगे यहां तक, मैं और पॉइंट आपके लिए सर्च करता हूं। सो लिथियम हो गया आपका, लिथियम का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ 1A में ही नहीं, पूरे साइंस का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, आगे भी पढ़ेंगे, और फिर से यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। ये रीजन समझना था, कोई भी पूछता है वन लाइन में कि लिथियम स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग क्यों एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, सो आपको वन लाइन में आंसर बोलना है, ड्यू टू इट्स वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। कोई डिटेल में पूछता है तो आप एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सबसे पहले सब्लिमेशन, देन आयोनाइजेशन, देन हाइड्रेशन, और ओवरऑल एनर्जी डेल्टा एच मैक्सिमम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, डेल्टा एच में लीडिंग फैक्टर है हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम पूरे लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है साइंस में, पूरे साइंस के अंदर। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे यहाँ पे कि लिथियम जो है सिर्फ पीरियोडिक टेबल ही नहीं, एस ब्लॉक का ही नहीं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूरे साइंस में होता है आपका 10। सो हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सो बेस्ट सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट केमिस्ट्री में है वो लिथियम, सिर्फ वन ए में ही नहीं है, पूरे साइंस में सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है।
यहाँ पे रीजन कोई बोलता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी ऑफ लिथियम लिथियम आयन, लिथियम आयन का हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा था उसके चलते आपको। सो वन एमए तो है ही बट पूरे केमिस्ट्री में लीड करता है लिथियम। हम लोग एक पैटर्न भी पढ़े थे, एक कहानी भी पढ़े थे जो पीरियोडिक टेबल में बॉन्डिंग में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इनऑर्गेनिक में खूब यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। वो रिड्यूसिंग एजेंट का ही तो ऑर्डर था। सो पैटर्न हम लोग स्टोरी जो बनाए थे लाला केदारनाथ का माली वाला, वो कहानी आपको याद है। सो एक बार आप लिख लीजिएगा वहाँ पे, मैं स्टोरी उसके सामने लिखते रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे आप कई कहानियाँ आप अपने से कहानी भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्लास में पढ़ते रहते थे और वो रिड्यूसिंग एजेंट का ही तो ऑर्डर था। सो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एल आई ये रिड्यूसिंग एजेंट का पैटर्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे और कोई रटना नहीं था इसमें। मैंने कहानी बनाया था और कहानी में आपको बनाया था कि दो स्टोरी बनाया था जो आपको बेटर लगे। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि ये ले ले कर 12 सरदार का नाम, ये एक पैटर्न यहाँ से यहाँ तक था। ले कर 12 सरदार का नाम, माली आलू जरा फीके से पकाता है क्यों, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें। और नीचे का नहीं, नीचे का तो सब करेंसी मेडल है। नीचे आपका मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये करेंसी मेडल हो गया। ये तो ऐसे ही याद रहता, सबसे सस्ता है मरकरी, उसके बाद है उससे महंगा हुआ सिल्वर, उससे महंगा हुआ गोल्ड, गोल्ड से भी महंगा हुआ प्लेटिनम, सबसे महंगा प्लेटिनम हुआ था। ये पैटर्न ये याद रहता है। तो मैंने आपको कहानी बनाया था, कहानी बना करके बताया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम जो टॉप पे रखा हुआ है। तो आप उसके सामने हिंदी में इंग्लिश में जैसे हो स्टोरी आप लिख लीजिए। सो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जस्ट हिंदी में ही लिख लीजिए ले, और जस्ट ऐसे ही कर कर के का मतलब हुआ पोटेशियम, 12 सरदार। सो ले कर 12 जस्ट हिंदी हिंदी में लिखी, हिंदी में उससे सब नाम याद रहेगा। ले ले का मतलब लिथियम हुआ, कर के मतलब पोटेशियम हो गया, बी ए 12 हिंदी में लिखी आपको। तो जस्ट बी ए सरदार एस आर सरदार का नाम, का ऐसे छोड़ दीजिए, सी ए का नाम, एन ए एम नाम, नेम नहीं एन ए एम लिखे ना हिंदी में नेम, नाम माली यहाँ पे लिखे माली आलू आलू एल जरा जरा ऐसे हिंदी में लिखिए, फीके 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 एफी एफी फीके से 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 टिन 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 हो गया से, पीबी पकाता पकाता है क्यों 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 ऐसे सीओ ऐसे लिखे, कुछ हिंदी में लिख लीजिए आपका क्यों। आगे नहीं, आगे छोड़ दिए, आगे करेंसी मेटल है, करेंसी मेटल सबसे सस्ता ये, मरकरी सबसे सस्ता, उससे मांगा सिल्वर, उससे मांगा गोल्ड, उससे भी मांगा प्लेटिनम। तो ये आपका पैटर्न मैंने बताया था कि याद करने का तरीका है, सब कोई कहानी बना लीजिए, ये बहुत जरूरत पड़ेगा इनॉग्रेटिंग में, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। 500 क्वेश्चन बना देता है ये पैटर्न, 50 क्वेश्चन बनाता है, एक दो नहीं 50 क्वेश्चन। और ये पैटर्न है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट का ही तो पैटर्न है। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का पैटर्न रहेगा, ऊपर की तरफ जाइएगा तो ऊपर में रिड्यूसिंग एजेंट जाता है, ये पैटर्न जा रहा है ऊपर में रिड्यूसिंग एजेंट का। उल्टा करिएगा नीचे में जाइएगा तो नीचे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑर्डर आपको जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यहां आप लिखना हो ऐसे लिख लीजिए, ऊपर की तरफ है रिएक्टिविटी टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट, वो जब आएगा रिएक्शन मैं समझा दूंगा आपको कि रिएक्टिविटी टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट।
सो टूअर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी टूअर्ड डिस्प्लेसमेंट का रहेगा यहाँ पे आपको, ये रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर है। यहाँ पे आप पैटर्न ऐसे पढ़िएगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड एम प्लस टू द एम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाएगा, इसका वैल्यू सबसे लो होता है, इसलिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सो लिथियम सिर्फ एस ब्लॉक का ही नहीं, वाने का नहीं, पूरे साइंस का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये इसको एसोसिएशन मेथड बोलते हैं कि कोई ग्रुप को ऐसे याद करेगा तो नहीं याद होगा, बट उसके लिए कहानी बना लीजिए, एक कहानी बना लीजिए और कहानी बनाइए तो ऐसे लेकर 12 सरदार का नाम, या आप ऐसे लुधियाना, लुधियाना पंजाबी जो पंजाब है ना, वहाँ पे लुधियाना शहर हुआ, वहाँ बहुत सारे लोग सरदार जी लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आप लुधियाना के 12 सरदार का नाम अपने से, आप कहानी अपने से बनाइए, लेकर 12 सरदार का नाम, लाला केदारनाथ के माली, ऐसे कई कहानी हम लोग बनाते थे। तो इसमें एक जो मोस्ट कॉमन स्टोरी हम लोग क्लास में पढ़ते रहते हैं तो वो लेकर 12 सरदार का नाम, माली आलू चरा, सरदार जी के घर में एक माली था, वो माली जो है वो आलू कच्चा बनाता था, तो माली माली आलू जरा फीका, फीका मतलब कच्चे से पकाता है, क्यों जब भी खाना बनाता था तो कच्चा आलू हमेशा कच्चा रखता था। तो ये कहानी आपको, स्टोरी आपको बनाना है, स्टोरी ब्रांड में फ्रेम करना है, लेके 12 सरदार का नाम, या लुधियाना, लुधियाना जो सिटी है उसमें सरदार जी लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ एक माली था और माली आलू हमेशा कच्चा बनाता था, तो एक कहानी फिट करना है, लेकर 12 सरदार का नाम, माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों। बाकी नीचे करेंसी मेटल, करेंसी मेटल एकदम इजी, ठीक है। सो ये एक जस्ट स्टोरी है ब्रेन में आपको रिमेम्बर करने के लिए, एक छोटा सा कहानी है और इससे आपको याद रहेगा, और इससे हम लोग 50 से ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे, जरूरत पड़ेगा जब हम लोग इसको यूज करेंगे। और ये रिड्यूसिंग पावर, ऐसे भी रिड्यूसिंग पावर मान लीजिए रैंडम आ जाता है, कई बार एग्जाम में कोई डाटा नहीं रहेगा, कोई डाटा नहीं रहेगा और ऐसे पूछते हैं, कोई बिना डाटा ऐसे बोलेगा कि मेरे पास मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है, ऐसा कोई भी ऐसा डाटा दे देगा, बोलेगा कि इसमें हमें रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर चाहिए, रिड्यूसिंग पावर, सो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर चाहिए, रिड्यूसिंग पावर। सो रिड्यूसिंग पावर में देखिए आप चेक करिए, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम, उसमें सब मिल जाएगा, उसमें इस पैटर्न में सब मिल जाता है, जो भी एग्जाम में आता है ना इस पैटर्न से मिल जाता है, इससे 50 क्वेश्चन बनता है, एक दो नहीं 50 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। चलिए प्लान करिए, इसमें देखिए तो Mg मैग्नीशियम यहाँ है, जिंक जिंक यहाँ है, आयरन आयरन यहाँ है, कैल्शियम कैल्शियम यहाँ है, हो गया ऐसा हो गया। अब इसमें आपको पैटर्न लगाना है, पैटर्न आपको बनाना है, तो देखिए आपको सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, अरेंज कर लीजिए। तो इसमें कोई डाटा भी नहीं रहता है फिर भी हम लोग क्वेश्चन इससे बना लेते हैं, और आता है एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि इसमें चारों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर अरेंज करना है, तो आप उससे बना सकते हैं, इस ऑर्डर से आपको बन जाता है, कैल्शियम बेस्ट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, जिंक है एंड आयरन, देखिए हो गया। कंप्लीट रिड्यूसिंग पावर मेरा कंप्लीट हो गया, रिड्यूसिंग पावर के लिए एनसीईआरटी में यही था आपको, ये सीखना था आपको। और नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अगला है इसमें मुझे दिख रहा है यूजेज, यूजेज तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट आपका सॉल्ट है, सब इधर का इस पेज पे हो चुका है कंप्लीट। सो मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट क्या क्या बचा हुआ हम लोग का इस ब्लॉक में। नेक्स्ट यूजेज है एनसीईआरटी में, नेक्स्ट लिखा हुआ रिएक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, जो जो एनसीईआरटी का एक एक लाइन मैंने कंप्लीट कर दिया, एक लाइन नहीं मैंने छोड़ा आपको, सारा लाइन आपको कंप्लीट किया, उससे हम लोग एडवांस लेवल कई उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए, और बहुत सारा चीज़ें हम लोग बॉन्डिंग से पीटी से रिलेट किया हम लोग ने। सो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ यूजेज, यूजेज ऑफ वन ए, यूजेज ऑफ वन में, वन ए में लिखा हुआ अल्कली मेटल में, एक तो एलवाय, लिथियम का बहुत सारा एलवाय लिखा होगा, लिथियम का एलवाय जो होता है, एलवाय ऑफ द लिथियम और लेट, लिथियम लेट का एलवाय है, इसके बारे में लिखा होगा कि इस एलवाय को व्हाइट मेटल बोलते हैं,
व्हाइट मेटल जो होता है बेरिंग, बॉल बेरिंग होता है ना, बॉल एंड बेरिंग के, बॉल बेरिंग बनाने में ये जो आउटर पार्ट हुआ, आउटर पार्ट हुआ आपका और इनर पार्ट हुआ, तो उसको बनाने में यूज कर, बॉल नहीं, बॉल बनता है टंगस्टन कार्बाइड से, जो हम लोग पहले डिस्कस किए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, कि बॉल जो रहेगा इसका बॉल अंदर का बॉल जो होता है वो टंगस्टन कार्बाइड का होता है, बट बेरिंग इसका बेरिंग जो लिखा हुआ मोटर इंजन में बेरिंग, आपके साइकिल में भी बेरिंग होता है, जो साइकिल का आप जो चक्का है उसके अंदर देखिएगा बेरिंग रहता है, बॉल एंड बेरिंग से ही तो वो रोटेट करता है, तो वो जो बेरिंग बनता है वो जस्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि वो वाइट मेटल है, एलॉय ऑफ लिथियम एंड लेड, उसी से बेरिंग बनता है, बॉल अलग है, अंदर का बॉल अलग है आपका। नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है एलॉय ऑफ लिथियम एंड एल्युमिनियम, लिथियम एंड एल्युमिनियम का एलॉय जो होता है जस्ट एयरक्राफ्ट इंजन का या एयरक्राफ्ट के अलग कंपोनेंट जो है, सीट है, चेयर है या जो भी एसेसरी है उसको डिजाइन करने में यूज करते हैं। रीजन है कि दोनों के दोनों लाइट वेट है, एल्युमिनियम भी बहुत हल्का होता है और लिथियम भी लाइट वेट है आपका एलॉय, सो यूज इन एयरक्राफ्ट पार्ट ड्यू टू द लाइट वेट एलॉय, हल्का होता है एलॉय उसके चलते। नेक्स्ट लिथियम का लिखा होगा, लिथियम को मैग्नीशियम के साथ मिला दीजिएगा तो ये भी लाइट होता है, हल्का होता है बट ये हार्ड हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ आर्मर प्लेट्स, आर्मर प्लेट्स जो आर्मी का क्लॉथ जो होता है, आर्मर प्लेट जो होता है बुलेट प्रूफ नहीं, बुलेट प्रूफ नहीं, आर्मी का जैकेट जो कहिए, आर्मी का जैकेट जस्ट सूट कहिए ना, वो आयरन मैन मूवी देखते हैं, आयरन मैन मूवी में जो आयरन मैन का जो सूट है, अवेंजर सीरीज मार्वल स्टूडियो का देखते हैं मूवी, उसमें आप आयरन मैन का जो पूरा सूट हुआ वो सूट का जो मटेरियल हुआ वो है लिथियम एंड मैग्नीशियम, ये है आर्मर प्लेट, बुलेट प्रूफ नहीं, जो आर्मी यूज करती है, इंडियन आर्मी यूज करते हैं वो नहीं, वो अलग मटेरियल है, बुलेट प्रूफ मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको पहले, बुलेट प्रूफ मटेरियल अलग है बट ये है आर्मर प्लेट है, वो बोलते हैं पूरा बॉडी को कवर करना, हेड से लेकर के पूरा बॉडी के एक एक पार्ट को प्लेट से कवर करना, वो आर्मर प्लेट है, वो है लिथियम एंड मैग्नीशियम। इसका हो गया लिथियम, मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि लिथियम यूज इन अ मोबाइल बैटरी, मोबाइल के बैटरी में जिसको लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको बोला जाता है, सो मोबाइल का बैटरी को लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं, जो रिचार्ज हो जाता है, सेकेंडरी सेल है वो हो गया आपका, ये हो गया सोडियम, सोडियम का भी यूजेस पढ़े हुए हैं हम लोग, ढेर सारा यूजेस पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो यूजेस में नेक्स्ट कर लीजिए। एलॉय ऑफ द सोडियम, सोडियम का एलॉय लेड के साथ भी सोडियम का एलॉय बनता है आपका, तो 5 लिखा हो उसमें, सोडियम का लेड के साथ एलॉय बन जाता है NaPb, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ TeL, कई बार मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं, यहां पे भी लिखा हुआ TeL टेटाइथाइल के प्रिपरेशन में यूज होता है, मैं पहले भी रिएक्शन पढ़ चुका हूं, करा चुका हूं आपको इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा चुका हूं आपको, TeL देखिए 4 मोल्स ले लीजिएगा C2H5 और Bn S इथाइल ब्रोमाइड ले लीजिएगा, ना 4 मोल ऑफ द NaPb लेड सोडियम एलॉय लेना होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं, पेट्रोलियम में पढ़े हुए हैं, GOC में पढ़े हुए हैं, कॉमन नेम में पढ़े हुए हैं आप, सो जैसे आप रिएक्शन करेंगे यहां पे आपका हो जाएगा C2H5 होल 4 पीवी, C2H5 होल 4 पीवी हो गया प्लस 4 मोल्स ऑफ द NaBr, ये अलग हो जाएगा 3 लेड अलग हो गया आपका, पूरा कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, फेमस कंपाउंड TeL ये यही तो है आपका, TeL फुल नेम लिख लीजिए टेट्राइथाइलेट, T4 टेट्रा इथाइल लेड टेट्राइथाइलेट TeL ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक और मेटल एक साथ अटैच है, आप बॉन्डिंग भी पढ़ चुके हैं, इसका फिगर आप बनेगा तो ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपको CH2 CH3
CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, ऐसे। ये ऑर्गेनिक मेटल एक साथ लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये ऑर्गेनिक हो गया ऑर्गेनिक, और ये है सिग्मा बॉन्ड, और ये है मेटल, है मेटल, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मेटल एक साथ अटैच है, सो इसको फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिग्मा बॉन्डेड भी लिख सकते हैं इसके बारे में, सिग्मा बॉन्डेड, सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इसमें लिखा हुआ ऑर्गेनोलेट कंपाउंड भी लिखा हुआ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अटैच है, लेट लेट से अटैच, तो ऑर्गेनोलेट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनोलेट कंपाउंड इसको स्टडी में ऐसे भी लिखा हुआ, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ईटी 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 का होल फोर लेट ऐसे भी बोल सकते हैं, इथाइल इथाइल ईटी होल फोर लेट, फेमस कंपाउंड है, हम लोग भी चार बार पढ़ चुके हैं। और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो होता है लिखा हुआ स्टडी में, अर्लियर यूज एज द एंटी नॉकिंग कंपाउंड, पेट्रोल में बहुत पहले 30 साल पहले यूज होता था एंटी नॉकिंग कंपाउंड, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक में, कई बार पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं कई बार पढ़े हुए हैं कि ये पहले 30 साल पहले इंडिया में भी यूज होता था एज ए एंटी नॉकिंग कंपाउंड, पेट्रोल में इसको डाल देते थे, पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती थी, अभी नहीं अभी नहीं अभी एकदम नहीं, ठीक है, अनलेडेड पेट्रोल यूज करते हैं, क्योंकि लेड लेड जो है वो पॉइजनस मेटल है, ये पॉइजनस मेटल है, ये पेट्रोल में ऐड कर दीजिएगा पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, 30-40% तक बढ़ा देगा पेट्रोल की एफिशिएंसी, बट इसमें से लेड जो बाइक से धुआं निकलेगा ना उसमें से लेड निकलेगा, लेड जो होता है वो पॉइजनस मेटल है। सो हम लोग पढ़ चुके हैं, काफ़ी फेमस कंपाउंड है, कैसे बनता है सब एग्जाम में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ लाइन, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है TEL, ऐसे भी लिखा हुआ है, इस तरह बॉन्डिंग बनाया हुआ है, बोला गया है कि ये टेट्राइथाइललेट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनिक मेटल, ऑर्गेनिक लेड कंपाउंड है आपका, ठीक है, जो हम लोग सब चीज़ लाइन पढ़े हुए हैं, लिखा हुआ है इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसमें मैं पॉइंट देख रहा हूँ, तो अर्लियर यूज एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड, तो इसके बारे में लिखा हुआ है TEL या ईटी होल फोर, लिखा हुआ क्या यूज एज एंटी नॉकिंग, पेट्रोल पहले यूज होता था बहुत पहले, 30 साल पहले की बात में लिखा होगी, 30-35 साल पहले ये पेट्रोल में ऐड होता था, बट लिखा हुआ उसमें बट नाउ एडे अभी नहीं यूज करते। सो TEL नॉट यूज एज एंटी नॉकिंग, इन पेट्रोल अभी नहीं यूज करते, ड्यू टू पॉइजनस लेट, रीजन लिखा हुआ ड्यू टू पॉइजनस लेट, लाइक जो पॉइजनस होता है ना, जैसे आप पेट्रोल में ऐड करिएगा और जो धुआं निकलेगा उसमें से, उस धुएं में लेट लेट पार्टिकल आना शुरू करेगा, और लेट पार्टिकल जो है पॉइजनस नेचर होता है, सीधे ब्रेन पे अटैक करते हैं, जैसे आप सांस लीजिएगा आपके नोज के रास्ते से बॉडी में ब्लड इंटर किया, पूरा ब्रेन को लॉक करता है, ब्रेन पे अटैक करता है ड्यू टू पॉइजनस लेट,
सो ये लिखा हुआ आपका सोडियम का यूसेज में, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है आपका। ये भी लिखा हुआ सोडियम यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, सो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया हुआ है। पोटेशियम का कुछ यूजेज लिखा हुआ, मैं फिर से लिस्ट बना दे रहा हूँ आपके लिए, जो जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा चीज़ें। सो आप नोट करते रहेंगे, एकदम सिंपल है। एनसीईआरटी का हम लोग एक एक लाइन यूज कर रहे हैं, कोई लाइन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, भले ही पहले पढ़े हुए हैं फिर भी रिपीट करेंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट देखिए, सब पढ़ा हुआ है, बस जो एनसीईआरटी में था लाइन उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। ये पढ़ चुके हैं कि लिक्विड सोडियम यूज एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका हूँ कि लिक्विड सोडियम जो है कूलेंट में यूज करते हैं रिएक्टर के टेम्परेचर को कूल करने के लिए, 5000 को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लाने के लिए लिक्विड सोडियम यूज करते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में। पोटेशियम हैज वाइटल रोल, मतलब बहुत हाई रोल, बहुत ज़्यादा रोल है इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, आयंस बैलेंसिंग में पोटेशियम का खूब रोल है। ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में आपको। KCl, KNO3 यूज एज अ फर्टिलाइजर, पोटेशियम रिच कंपाउंड जो है फर्टिलाइजर में यूज करते हैं हम लोग। KOH यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉफ्ट सोप, सोप मैं समझाऊंगा आपको, सोप मैं डिस्कस करूंगा आपसे, हार्ड सोप, सॉफ्ट सोप, सोडियम रहेगा तो हार्ड हो गया, पोटेशियम आएगा तो सॉफ्ट सोप हो जाएगा। एंड ऑल्सो यूज एज अ एक्सलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ CO2, ये तो लास्ट क्लास आप पढ़े ही थे, जब आप स्पेस शटल में जब स्पेस शिप में ऊपर जाते हैं तो वो KOH इज द बेस्ट एब्जॉर्बेंट ऑफ द CO2 गैस, जो पढ़ा हुआ आपका। सो ये पढ़े हुए थे कि वहाँ पे आप रिएक्शन, उसके लिए रिएक्शन लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे इसके लिए आपको रिएक्शन लिखना होगा, तो आप जानते हैं इसमें रिएक्शन क्या लिखना है। आप KOH हुआ और जैसे ही CO2 आप डालिएगा यहाँ पे, वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और वन लाइन का तो रिएक्शन है KHCO3। ये हम लोग पढ़ चुके थे और नीचे ऐसे बैठ जाता था। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि ये एसिड है नॉन मेटल ऑक्साइड और ये KOH एक बेस है और एसिड बेस रिएक्शन का वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वो लिखा हुआ एनसीईआरटी में यूज एट द एक्सेलेंट एब्जॉर्बमेंट ऑफ द CO2 गैस, CO2 गैस को खूब तेज एब्जॉर्ब कर लेता है। और लास्ट में लाइन लिखा हुआ CGM इज यूज इन फोटोसेल, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सर, आपको यूजेस पहले ही पढ़ा हुआ हम लोग का। CGM इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये हो गया हम लोग का। सो CGM पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये यूज करते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके ड्यू टू वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी, जो क्लास में एक एक लाइन हम लोग डिस्कस किए हुए। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ, आज का लेक्चर यहीं तक के लिए था आपको। नेक्स्ट क्लास आप एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज 2-3 पेज आगे पढ़ के रेडी रखिएगा, नेक्स्ट क्लास फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। सो आज मेरा तीनों लेक्चर कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट संडे फिर हम लोग मिलेंगे इनऑर्गेनिक के लिए।